लेकिन आपको पता है कि किधर से इजाज़त होनी है तो केस ख़त्म होने हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीनों अपीलें फिक्स हो गई हैं। कल हमारा मेंटेनेबिलिटी पे इशू पे वो फैसला था, वो हमारी मेंटेनेबिलिटी का जो इतराज़ था वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह तीनों अपीलें सुनी जाएंगी, क्योंकि हम देखें, हमने हमेशा आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन किया है। हमारा कायद वो है जो 180 मुकदमा जूठे भुगत रहा है, जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बाहर भेजने की कोशिश की, जिसको सिस्टम से माइनस करने की कोशिश की, जिसकी पार्टी से बल्ले का निशान छीना गया। लेकिन क्योंकि हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन करते हैं, इंशाल्लाह वकला भी केस लड़ रहे हैं। देखें, कहीं आपने देखा है पेशावर हाई कोर्ट में वही केस बल्ले वाले हम जीते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं? हम अदालतों को ये कहना चाहते हैं कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को हम यकीनी बनाना चाहते हैं, और ये केस हम जो लड़ रहे हैं, जो आप हाई कोर्ट में तीनों केस पेंडिंग है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसमें जल्द से जल्द हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिले। क्योंकि ऐसे केसेस को जिस तरीके से लटकाया जा रहा है, वो आपको पता है कि एक आदमी को एक सिस्टम से माइनस करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह वो नहीं होगा। कोशिश